आज हम आपको सामाजिक कार्यकर्ता महादेव गोविंद रानंडे के बारे में बताने जा रहे हैं। महादेव गोविंद रानंडे एक विशिष्ट भारतीय विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। साथ ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहते हुए बहुत से पदों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा वे केंद्र के फाइनेंस समिति के सदस्य और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज भी थे। एक प्रसिद्ध हस्ती होने के साथ साथ उनका व्यक्तित्व काफी शांत और प्रभावशाली था। ब्रिटेन के साथ समझौता कर वे भारत में सुधार लाना चाहते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने व्यक्तित्व विजित समाज सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज की स्थापना में काफी सहायता की है। और साथ ही वे बॉम्बे एंग्लो मराठी अखबार इंद्र प्रकाश अखबार को एडिट भी करते थे, जिनकी स्थापना सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए उनकी विचारधारा के अनुरूप की गई थी। महादेव गोविंद रानंडे का जन्म चित पावन ब्राह्मण परिवार में नासिक जिले के निवाड़ गाँव में हुआ था। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनके मित्र चाहते थे कि वह किसी विधवा से विवाह कर ले। अपने परिवार की इच्छाओं का पालन करते हुए उन्होंने कुलकर्णी परिवार की बालिका वधु से शादी कर ली। उनकी मृत्यु के बाद रामाबाई रानंडे वह समाज के सामाजिक शैक्षणिक सुधार पर काम करने लगी थी। रानंडे सामाजिक कॉन्फ्रेंस अभियान के संस्थापक थे, जिसका संपादन उन्होंने उनकी मृत्यु तक किया था। बाल विवाह, बालिकाओं का सर मुंडवाना और शादी में होने बाल अंतरिक्ष खर्च और सामाजिक भेदभाव, इन सभी समस्याओं का विरोध उन्होंने जीवन भर किया और हमेशा इन प्रणालियों को सुधार करने की कोशिश करते रहे।